सो हे गाइस, ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है फलकनास की ओर से। जब फलक बिग बॉस से निकली तब उनसे काफी सारे इंटरव्यू लिए गए जिसमें उन्होंने बात की अल्पेश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात, जनानी और गे में बहुत फर्क है। आई एम सॉरी, आप लोग अगर उस चीज को मिक्स कर रहे हैं तो ये आप लोगों के दिमाग का फितूर है। दूसरी चीज, उसको बुरा नहीं लग रहा है, मैंने उसको बोला, वो हंस के लेके चला गया दीदी दीदी करते करते। जितने भी एल्विश के फैंस आके इस तरह से अब्यूज़ करके जा रहे हैं, मैंने सुना कि मुझे भी रेप थ्रेट्स मिले हैं, मेरे मेल्स पे बहुत सारे इस तरह से हुई हैं, अविनाश के पेरेंट्स के लिए बोला गया है, मार डालने की धमकियाँ दी हैं। तो ये बहुत मुझे इस बारे में दुख है कि ये किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एल्विश ऐसा नहीं है। सामने से दी 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 चल रहा है, पीठ पीछे आके नाम लिया जा रहा है, फलक ऐसा कर रही थी, फलक ऐसा कर रही थी। तो वो एक उससे मुझे समझ में आया कि ओके, मास्क लोग जो हैं वो अंदर हैं और वो गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे पे मास्क लगा रखा है उन लोगों ने अपने चेहरे पे, रिश्ते बना रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के बन रहे हैं। सो जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो रही है लक्ष्य चौधरी की ओर से। लक्ष्य चौधरी ने आज एक वीडियो बनाई है जिसमें वो रिएक्ट किए थगेश अभी बिग बॉस में गए हुए थे उसके ऊपर, एंड वो ऑल्सो बात किए ध्रुव राठी के ऊपर। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। मेरे में थगेश में और एल्विश में एक फर्क तो है कि बिग बॉस को रोस्ट करने के बाद मैं बिग बॉस में अब तक गया नहीं, और थगेश जब से बिग बॉस में हो गया है ना, वो तब से खाना नहीं खा रहा यार, क्योंकि उसने गाली इतनी खा ली। वैसे होना सीरियस नोट यार, थगेश को इतनी हेट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां वो गया था तो वो जाएगा शो के फॉर्मेट के हिसाब से, और क्या पता एडिटिंग में उसका कितना पार्ट काट भी दिया हो। और जैसे कि उसने अपने चैनल पे भी बताया कि उसको वहां पे अभिषेक के दोस्त की तरह बुलाया गया था, मतलब अभिषेक का गेस्ट बन के गया था वो, और एल्विश को लेके भी उसने वहां पे काफी चीजें बोली है, और इवन अपने चैनल पे भी एल्विश को उसने सपोर्ट किया है। तो यार उसको गाली मत दो, सीधा अनसब्सक्राइब करो। मजाक कर रहा हूँ यार, थगेश बेचारा बहुत सीधा व्यक्ति है, वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। सोचेगा भी कब, पेड प्रमोशनल वीडियो बनाने से फुर्सत ही नहीं उसे, बिकाऊ कहीं का। वो तो इसका बस नहीं चला, नहीं तो बिग बॉस के स्टेज पे सलमान खान को भी मामर्थ का शैम्पू बेच आता। बाकी अफवाह तो ये भी उड़ी है कि बिग बॉस के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री राठी जी ले रहे थे। यार इस चीज को सच मानने वाले थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, बिग बॉस के घर में आपकी नहीं चलती, आपकी चलती है। राठी तो कतई नहीं आएगा बिग बॉस के घर में, क्योंकि वहां पे उसको स्क्रिप्ट लिख के देने वाली 5 लोगों की टीम नहीं होगी ना। और वैसे भी बिग बॉस का घर इज ऑल अबाउट बीइंग राइट, और वो तो वैसे भी खैर छोड़ो। सो जो लास्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है आलिया भट्ट की ओर से। आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह की अभी एक मूवी आ रही है रॉकी एंड रानी। उनसे कहीं पर पूछा गया था कि आपको बिग बॉस के हाउस में रॉकी और रानी कौन लगता है, तो उन्होंने देखिए क्या रिप्लाई दिया। बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके, एक तो मैं कहूंगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, नॉट इज वेरी एंटरटेनिंग, ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश कैन बी रॉकी। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है, एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।